नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तुम्हारी मेहनत हमारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 520 लागू करो, लागू करो, मांगे पूरी करो। एम्प्लॉयज एसोसिएशन एम्प्लॉयज एसोसिएशन हमारी मांगे पूरी करो। जस्टिस जस्टिस तुम्हारी मेहनत हमारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तुम्हारी मेहनत हमारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जस्टिस जस्टिस मुलाजमी जिंदाबाद। हमारे साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। जस्टिस जस्टिस हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मुलाजमी जिंदाबाद, स्टेटस केजरीवाल अपनी तरफ से यूनियन प्रेसिडेंट हूं। यहां पर हम इसलिए जमा हुए हैं कि जम्मू में हमारे भाई भी बैठे हड़ताल पे, हमने सोचा कि हम भी हड़ताल पे चले जाएंगे आज से। हम मसला हमारा यही है कि एसआरओ 520 बना था 2017 में, जबकि पीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट थी, उन्होंने बनाया था एसआरओ 520। उसमें उन्होंने कमेटी बनाई थी, एम्पावर कमेटी, जिसने स्टेटस डिपार्टमेंट को क्लियरेंस दी थी एम्पावर कमेटी मीटिंग ने। उसमें हमारे कल वो ऑर्डर हमारे पास ये है, लेकिन आज तक वो हम पे लागू नहीं हुआ। चार डिपार्टमेंट को वो लागू हो गया, हम लेकिन सिवाय एसटी डिपार्टमेंट को छोड़ के वो एसआरओ 520 के तहत तनख्वाह ले रहे हैं, सिवाय एसटी डिपार्टमेंट को छोड़ के। हमारे बच्चे घर से घर में भूखे मर रहे हैं, आज हमारे पास फीस नहीं होती बच्चों की। मेरे भाई कहते हमें ड्यूटी रोज़ आना पड़ता है, रोज जाना पड़ता है, लेकिन इनके पास किराया नहीं होता है। 6000 रुपये में क्या मिलता है आजकल, इनकी तो 4000-5000 तो इनकी किराए में ही जाता है, लेकिन ये बेचारे हाथ में कुछ, फर्स्ट में इनको कुछ नहीं। तनख्वाह में कंटिन्यू मिलती है, हम नहीं कहेंगे हमें तनख्वाह नहीं मिलती है, तनख्वाह में मिलती, लेकिन उसको आता क्या है। ये डिपार्टमेंट खुद एलजी साहब के पास ही है, एलजी साहब को खुद सोचना चाहिए कि मेरे घर में प्रॉब्लम है। जब वो घर की प्रॉब्लम दूर नहीं कर सकते तो दूसरे की प्रॉब्लम क्या दूर करेंगे वो। हम इसमें है 400 जम्मू श्रीनगर लेके 413 मुलाजिम टोटल इसमें, वही 446 या 413 ऐसा ही होगा। लेकिन हमारे पास ऑलरेडी कैबिनेट ऑर्डर भी है, ये एसआरओ 520 भी बन गया कि उनको रेगुलराइज किया जाए 2017 में, लेकिन फिर भी आज तक हमारे को कुछ नहीं मिला। 520 लागू कीजिए, जो फाइनेंस ऑलरेडी हम पे क्लियर किया, स्टेट डिपार्टमेंट को क्लियर किया है, तो सभी कुछ हमने किया। हमारे पास सीआरडी वेरिफिकेशन भी हो गई है, एजुकेशन वेरिफिकेशन भी हो गई है, सब सब कुछ हमने क्लियर किया है, लेकिन अभी तक हमें वो बेनिफिट्स नहीं मिले जो एसआरओ 520 दिखाते हैं, लेकिन हमें वो बेनिफिट्स नहीं मिले आज तक। हम यही चाहते हैं कि हमें एसआरओ 520 हम पे लागू किए जल्द से जल्द। हम एलजी साहब से अपील करते हैं कि हम पे एसआरओ 520 हम पे लागू किया जाए। नाजरीन, अगर आपको हमारी प्रोग्राम पसंद आए होंगे, बेल निशान पे बटन दबाकर हमारी चैनल सब्सक्राइब